नमस्कार दोस्तों, फैक्ट फाइल्स में आपका स्वागत है। किसी गांव या शहर में एक या दो जोड़े जुड़वा बच्चे हों तो कोई हैरानी वाली बात नहीं, लेकिन किसी गांव में अगर पैदा होने वाले सभी बच्चे जुड़वा हों तो शायद ये बात हैरान कर सकती है। कोडिनही गांव अपनी खास वजह से पहचान बनाए हुए है। इस गाँव में सबसे ज्यादा जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। अरब सागर के तट से 18 किलोमीटर की दूरी पर केरल के मल्लापुरम जिले में बसा है कोडिनही गांव। इस इलाके की अपनी एक अलग पहचान है। यहां जुड़वा बच्चे पैदा होने का चलन आम है। 2000 की आबादी वाला ये गांव अब अंतर्राष्ट्रीय नक्शे पर है, क्योंकि विभिन्न देशों के शोधकर्ता यहां आकर जुड़वा बच्चों के पैदा होने का रहस्य पता करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो यह मुस्लिम बहुल इलाका है, मगर दूसरे समुदायों की संख्या भी 20% है। इसमें अनुसूचित जनजाति के लोग भी शामिल हैं। इस गांव में घर, स्कूल, बाजार हर जगह हमशक्ल नजर आते हैं। यहां पर वर्तमान में करीब 350 जुड़वा जोड़े रहते हैं, जिनमें नवजात शिशु से लेकर 65 साल के बुजुर्ग तक शामिल हैं। एक अनुमान के अनुसार भारत में प्रति 1000 बच्चों में 4 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। कोडिनही में 1000 पर यह आंकड़ा 45 है। यह औसत समूचे विश्व में दूसरे नंबर पर है, परंतु एशिया में यह पहले नंबर पर आता है। अपनी इसी खूबी के चलते कोडिनही विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हो चुका है। विश्व के अधिकतर बड़े मीडिया हाउस यहाँ की स्टोरी को कवर कर चुके हैं। विदेशों के कई वैज्ञानिक समय समय पर यहां शोध करने आते हैं। भारत सरकार ने भी एक स्थानीय डॉक्टर कृष्णन श्री बाजू को इसके अध्ययन के लिए नियुक्त कर रखा है। एक ही गांव में इतने ज्यादा जुड़वा होने से लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ता है, खासकर स्कूल में यहाँ की शिक्षकों का बच्चों में भेद कर पाना मुश्किल हो जाता है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या आती है नव विवाहित जोड़ों को, जिनको कुछ दिन तक तो यही समझ में नहीं आता कि उनका जीवन साथी कौन सा है। एक और विशेष बात यह है कि यदि इन जुड़वा बच्चों में कोई बीमार हो जाता है तो दूसरा भी अवश्य बीमार होता है। इसलिए एक बच्चे के बीमार होने पर डॉक्टर दोनों बच्चों को दवाई देने को कहते हैं। अब इस गांव में 2 के बाद 3 बच्चे भी एक साथ पैदा होने लगे हैं। बीते 3 सालों में ऐसे 3 केस हो चुके हैं। इस जगह इतने अधिक जुड़वा पैदा होने के पीछे क्या कारण है, ये अभी भी अज्ञात है। पहले डॉक्टरों ने यह तर्क दिया था कि यह सब खान पान के कारण है, लेकिन इस इलाके के लोगों का खान पान केरल के अन्य इलाकों के समान ही है, इसलिए इस तर्क को खारिज कर दिया गया। इसके अलावा डॉक्टर अभी तक कोई दूसरा कारण नहीं ढूंढ पाए हैं। अगर आपको भी हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके लिए वीडियो के नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें।